30 सतलज राज्य पंजाब क्षेत्र में सिख 42 राज्यों का एक समूह था जो उत्तर में सतलज नदी, पूर्व में हिमालय, दक्षिण में यमुना नदी और दिल्ली जिले और पश्चिम में सिरसा जिले के बीच स्थित था। ये राज्य 1785 के बाद मराठा साम्राज्य के आधिपत्य में आ गए। 1803-1805 के दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले, जिसके बाद मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों इस क्षेत्र का नियंत्रण खो दिया। सीस सतलज राज्यों में कलसिया, कैथल, पटियाला राज्य, नाभा राज्य, जींद राज्य, थानेसर, मलेरकोटला, लुधियाना, कपूरथला राज्य, अम्बाला, फिरोजपुर और फरीदकोट राज्य शामिल थे। 43 रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य ने 1807 में फरीदकोट राज्य पर कब्जा कर लिया। 44 हालांकि लाहौर दरबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर होने के कारण 1809 में फरीदकोट के गुलाब सिंह को नियंत्रण वापस मिल गया। हालांकि इन सिख राज्यों की स्थापना दल खालसा द्वारा की गई थी, लेकिन वे सिख साम्राज्य का हिस्सा नहीं बने। 1809 में अमृतसर की संधि के बाद युद्ध पर आपसी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसने साम्राज्य ने सीस सतलज राज्यों पर दावा छोड़ दिया था और अंग्रेजों को सतलज के उत्तर में या सतलज के दक्षिण में साम्राज्य के मौजूदा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। 45 1806 और 1809 के बीच रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों से इन राज्यों का नियंत्रण छीनने के प्रयासों के बाद 46-47 पंजाब के साथ सीमा के ब्रिटिश सैनिकरण 1838 में 2500 पुरुषों और 6 बंदूकों से 1844 में 17612 पुरुषों और 66 बंदूकों तक और 1845 में 40523 पुरुषों और 94 बंदूकों तक के बाद सिखों द्वारा सतलुज को पार करना और सिखों के कब्जे वाले मुल्तान क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए सिंध के नए विजित क्षेत्र को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करने की योजना 48 अंततः अंग्रेजों के साथ संघर्ष में परिणत हुई। गिरावट 19वीं सदी के अंत में एंग्लो सिख युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ कार्रवाई करते सिख सैनिकों के दो चित्र रणजीत सिंह की समाधि लाहौर पाकिस्तान में प्रतिष्ठित बादशाही मस्जिद के निकट स्थित है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य आंतरिक विभाजन और राजनीतिक कुप्रबंधन के कारण बुरी तरह कमजोर हो गया था। इस अवसर का उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम एंग्लो सिख युद्ध शुरू करने के लिए किया। 1845 में फिरोज शाह की लड़ाई ने कई महत्वपूर्ण मोड़ लिए। अंग्रेजों का पंजाब सेना से सामना हुआ, जिसमें बंदूकों से लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सिखों ने ब्रिटिश तोपखाने पर बेहतर प्रदर्शन किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, उनकी सेना में यूरोपीय लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, क्योंकि सिखों का मानना था कि अगर सेना हतोत्साहित हो गई, तो दुश्मन की स्थिति की रील टूट जाएगी। 49 लड़ाई पूरी रात जारी रही। रात ढलने के साथ साथ ब्रिटिश स्थिति गंभीर होती गई और गवर्नर जनरल के स्टाफ के हर एक सदस्य के मारे जाने या घायल होने के कारण भयानक क्षति हुई। 50 फिर भी ब्रिटिश सेना ने फिरोज शाह पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश जनरल सर जेम्स होप ग्रांट ने दर्ज किया, वास्तव में रात उदास और भयावह थी और शायद युद्ध के इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना हार के इतने करीब नहीं पहुंची थी, जिसमें विनाश शामिल था। फिरोज शाह से सिखों के पीछे हटने के कारण विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उनकी अपनी सेना के गैर सिख उच्च कमान का विश्वासघात था, जिसके कारण उन्हें एक अनिश्चित और पस्त अवस्था में ब्रिटिश सेना से दूर जाना पड़ा। दूसरों का मानना है कि एक सामरिक वापसी सबसे अच्छी नीति थी। उद्धरण की आवश्यकता 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के अंत में सिख साम्राज्य को अलग अलग रियासतों और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत में विघटित कर दिया गया। अंततः ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में लाहौर में एक लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप का गठन किया गया। लाहौर में स्थित साम्राज्य के सत्तारूढ़ दरबार को लाहौर दरबार या खालसा दरबार कहा जाता है। 1615 फकीर खाना संग्रहालय के फकीर सैफुद्दीन रणजीत सिंह के दरबार में मुसलमानों की बड़ी भूमिका के कारण खालसा दरबार के बजाय पंजाब दरबार शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं। 5-1 सत्तारूढ़ दरबार विविधतापूर्ण था और शासक महाराजा के अंतिम आदेश के अधीन था, जो खालसा का ध्वज था। 1-6 सिद्धांत रूप में सिख दरबार गुरु गोबिंद सिंह द्वारा प्रतिपादित खालसा आदर्शों पर आधारित था, फिर भी व्यवहार में ये दरबार धर्म निरपेक्ष था।